फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है सैटरडे और आज जो डेट है वो है 29 फरवरी। तो अभी मैं हूँ अपनी बालकनी में, यानी कि अपने छत की जो हमारा सेकंड फ्लोर है वहाँ पे। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा मौसम देख के कि यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी ब्लॉग वीडियो स्टार्टिंग कर दूँ अपनी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ का मौसम, अभी दिखाऊंगी, जस्ट अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको बैक कैमरे से। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी मौसम अभी हुआ है वेदर, क्योंकि आजकल का जो मौसम है फरवरी मार्च का वो बहुत अच्छा मौसम है। और इस मौसम में क्या होता है ना कि ठंड भी नहीं लगती है और गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम लगता है। और अभी तो यहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चल रही है ना, बहुत अच्छा फील आ रहा है। तो जस्ट ऐसे ही अभी मैं थोड़ी देर पहले ही अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5:30। और तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। तो चलिए आप लोग भी देखिए पीछे का जो मौसम है वो थोड़ा सा आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी बालकनी में हूँ खड़ी। तो कुछ इस तरीके की है मेरी बालकनी, ये मेरी ऊपर वाली बालकनी है हमारे घर की, जो सबसे ऊपर वाली बालकनी है, मतलब सेकंड फ्लोर की। यहाँ पे मेरी देवरानी रहती है तो वाली बालकनी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कुछ फ्लावर लगे हुए हैं, देखिए आप लोग ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आई होप कि आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। मुझे फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद हैं, चाहे कोई भी कलर के हो लेकिन फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ ही फ्लावर रखे हुए हैं। और वैसे भी आपने मेरी वीडियो में देखे ही होंगे मेरे कुछ फ्लावर, जहाँ जिस फ्लोर में रहती हूँ वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर मैंने लगाए हुए हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से वेदर यहाँ पर हुआ है। देखिए गाइस बादल, देखिए बादल बहुत अच्छा लग रहा है ना गाइस। देखिए आप लोग ये देखिए, ये अपनी गली है हमारी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल कर रहे हैं गली के। बाकी आप लोगों को दिख ही रहा होगा रोड पे कितने यहाँ पे कितनी बारिश आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी, थोड़ी थोड़ी ही आई थी बट आई और मौसम को अच्छा कर गई। सो यो हमारा घर, अभी जस्ट चाय पी के आई थी ऊपर, तो मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी हवा ले लूं, क्योंकि पूरा दिन से वीडियो ही बना रही हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो दिमाग थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, इसीलिए मैं ऊपर ठंडी हवा में आ गई हूँ। और वेदर तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मन मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद यहाँ पर ऐसा वेदर हुआ है। जब से मैं गाँव से आई हूँ उसके मतलब फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पर, जब से मैं गाँव से आई हूँ फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर बारिश आ रही है अभी, तो काफ़ी अच्छा मुझे वेदर लगा। साथ ही साथ गाइस आप लोग मेरे लुक को माइंड बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं दोपहर में नहाई थी और ये देख सकते हैं आप बाल पे, मैंने बालों पे बिल्कुल भी कॉम नहीं किया हुआ है, साथ ही साथ कोई भी मेकअप वगैरह नहीं किया हुआ है, ड्रेस भी चेंज नहीं की है, घर जैसे घर की कपड़ों में वैसे ही रहे, घर के ऐसे ही सिंपल कपड़ों में हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप यू नो आप लोग समझते हो, काफ़ी सारे बैड कमेंट भी आते हैं। अभी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन एक दो बंदे ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो मुझे थोड़ा बहुत बैड कमेंट करते हैं, तो छोड़ो छोड़ो अभी इतना नहीं लेना चाहिए। बाकी गाइस हाँ, मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम आप हमें एक चीज़ बताइए कि आप जो अपनी वीडियो बनाती हो कैसे बनाती हो, फ़ोन से बनाती हो और कैमरे से बनाती हो। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि हाँ मैं फ़ोन से भी वीडियो बनाती थी और अभी जस्ट मैं कैमरे से वीडियो अपनी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी 2 महीने पहले अपना कैमरा लिया हुआ है और मैंने जो कैमरा लिया है वो है GoPro का। तो ये कैमरा भले ही छोटू सा है लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, मतलब बता नहीं सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी है। आप लोगों ने खुद मेरी वीडियो में देखा होगा बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये मेरे से रिक्वेस्ट की थी आप ज़रूर बताना हमें आप कौन सा कैमरा यूज़ करती हो, फ़ोन से बनाती हो तो कौन सा फ़ोन यूज़ करती हो। तो कैमरे का मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप खाती हूँ। बट तो ये है मेरा कैमरा GoPro का, जो कि मैंने हाल ही में लिया है 1-2 मंथ्स में, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैमरा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी वीडियो बनती है, क्लियरिटी जो आती है वीडियो की बहुत अच्छी आती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद। तो इससे पहले गाइस जो मैं फ़ोन से बनाती थी वीडियो वो था मेरा रेडमी का 6 प्रो वाला फ़ोन, तो उससे मैं वीडियो बनाती थी, उससे भी काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी उसकी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि मैम कौन सा कैमरा यूज़ करती है, शायद से मुझे लगा कि हाँ उन लोगों को लग रहा है मैं कैमरे से यूज़ कर रही हूँ, तो वो कैमरा भी काफ़ी अच्छा है।
लेकिन मुझे लगा कि मुझे लाना चाहिए अपना एक कैमरा। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने GoPro लिया है और मुझे काफ़ी अच्छा ये कैमरा लगता है, मैं आप लोगों को बताई चुकी। तो बस गाइस, आज मेरा ऐसे ही ब्लॉग स्टार्ट करने का मन कर गया। काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते भी हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी की थी कि मैम आप अपनी मॉर्निंग रूटीन से नाइट रूटीन तक हमारे साथ अपनी वीडियो शेयर करें। लेकिन क्योंकि मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बना तो मैं लूँगी, लेकिन अंदर से मुझे एकदम से इतनी वाली फीलिंग नहीं है कि मैं मॉर्निंग से नाइट तक का रूटीन बना दूँ। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगी, टाइम नहीं लगता है मुझे, लेकिन मैं फिर भी पूरा कोशिश करूँगी। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो लेके आऊँ जो आप लोग मेरे से उम्मीद करते हैं, देखना चाहते हैं, वो मैं जल्दी लेके आऊँगी। बाकी गाइस, बाकी मुझे मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसीलिए इन्जॉय करने आई हूँ अपने बालकनी में ऊपर। और अभी मैं छत पे भी जाती हूँ, छत का भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं अपनी छत में, और यहाँ की सीढ़ियाँ आप लोग देख सकते हैं कितनी डेंजर है। मुझे बहुत डर लगता है इन सीढ़ियों से जाना ऊपर, फिर भी आप लोगों के लिए जा रही हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को अपने घर का छत। और अभी यहाँ से ट्रेन भी आ रही है, मैं ट्रेन भी दिखाऊंगी आपको। तो ये हमारे छत है, ज़्यादा मत देखो आप लोग। तो ये देखो, छत से कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देता है हमारे घर के आसपास का। देखिए गाइस, आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ये हमारे साइड में सारे घर ही हैं, इधर देखिए आप लोग। और वहाँ से ट्रेन आ रही है, मैं ट्रेन दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ से अभी आप लोग क्लियर नहीं दिखाई देगी, जब ट्रेन यहाँ आ जाएगी तब दिखाऊंगी आपको। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, ये मैं अपनी छत में आ चुकी हूँ। मौसम तो मुझे इतना प्यारा लग रहा है गाइस, बता ही नहीं सकती हूँ आप लोगों को, आप लोग खुद ही देख लीजिए। और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, सच में बहुत ठंडी हवा चल रही है यार। देखिए आप लोग कितनी ठंडी हवा चल रही है, मेरे बाल देख के आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ठंडी हवा चल रही है सच में। बाकी इतना अंधेरा हो चुका है, शायद से रात तक तो यहाँ पे बारिश तेज आने वाली है, भयंकर बारिश आने वाली है। और ट्रेन आ रही है, मैं आपको ट्रेन दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रेन जब यहाँ से गुजरती है ना, भले ही अच्छी लगती है देखने में, लेकिन बहुत इरिटेटिंग होती है इसकी जो वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग करती है। मैं तो यहाँ पे ठंडी हवा के मज़े ले रही हूँ, आप लोग भी लीजिए, वीडियो के थ्रू लीजिए। वैसे तो आप लोग ले नहीं सकते हो, मेरी इस वीडियो के थ्रू आप लोग भी मज़े लीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों को कुछ देर में, तब तक मैं मज़े ले लूँ ठंडे के। देखिए गाइस, मैं ऊपर बालकनी से आ रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे हस्बैंड जी हमेशा इतना बिजी रहते हैं, हर टाइम काम 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 काम। अभी मैं जा रही हूँ शनिदेव मंदिर, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था। और यहाँ पे काफी तेज बारिश आ गई है और बहुत ज्यादा जाम लग गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो रही है रात की 10:30, और मैं कर रही हूँ वीडियो एडिटिंग, जो कि मेरा हमेशा का काम है। और मैंने सोचा क्यों ना एडिटिंग कर रही हूँ, थोड़ी रेस्ट ले रही थी मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए। तो बताइए आप लोग कैसे हैं, आप सभी लोग, आप लोगों को मेरे ब्लॉग, मेरी वीडियोस, मेरी DIY हैक वगैरह पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, बता भी दिया करो भाई मुझे कमेंट्स के थ्रू। आप लोग ना तो मुझे बताते हैं, ना ही आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो स्किप कर देते होंगे, है ना। और मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है गाइस, कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ
रातों रातों तक उठी रहती हूँ, 12 बजे तक उठी रहती हूँ रातों रातों। और उसके बाद भी मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद से फर्स्ट बार चैनल बनाने पे ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने काफ़ी सारे लोगों को फॉलो किया है यूट्यूब पे, तो मुझे जैसे मैं उनकी फर्स्ट मैंने मतलब शुरुआत से ही जब से उन्होंने चैनल बनाया तब से मैं देखती हूँ उन लोगों को, तो उन लोगों का अगर मैं देखूँ जिस तरीके से उन्होंने वर्क किया है उस हिसाब से उनकी वीडियो 1 मंथ या 2 मंथ में चलनी अच्छी हो जाती है और उनके सब्सक्राइबर भी अच्छे गेन हो जाते हैं। लेकिन मैं अपना देख रही हूँ चैनल पे तो 5-6 महीने हो चुके हैं मेरे चैनल को खोले हुए, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। ये इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है, ऐसा मैं क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा इसीलिए थोड़ा परेशान सी हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ उसके बावजूद भी कोई मेरे चैनल पे नहीं आता है। व्यूज़ तो मेरे फिर भी ठीक ठाक हैं लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो बाकी गाइस आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, बारिश भयंकर वाली आई है, यहाँ पे खतरनाक वाली बारिश यहाँ पे आई है, बता नहीं सकती मैं। हम तो मंदिर गए हुए थे लेकिन इतना जाम लग गया था, गुड़गांव में तो वैसे भी कितना ज़्यादा जाम लगता है आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग गुड़गांव या दिल्ली सिटी से होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा, नहीं तो आप लोगों ने देखा ही होगा भाई न्यूज़ में पता ही चल जाता है, न्यूज़पेपर में आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है कि इतना ज़्यादा जाम लग जाता है बारिश की वजह से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। हमारे पास में ही मंदिर पड़ता है शनिदेव का, तो हम वहीं पे गए थे, जहाँ पे 5 मिनट का रास्ता था वहाँ पे हमें 1 घंटा लग गया। आप लोग लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे बारिश आई और कितना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे हो गया। और बाकी खाना पीना मेरा हो गया है गाइस, एडिटिंग कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैं एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो को और अभी जस्ट स्टार्टिंग की है मैंने, देखते हैं कब तक होता है। बाकी गाइस इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने बस ऐसे ही ये ब्लॉग बनाया है, मैंने तो कभी DIY नुस्खे आप लोगों को बताती हूँ, कभी मेकअप से रिलेटिव आपको चीज़ें बताती हूँ या फिर कभी कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो कोई एक ऐसा ब्लॉग बनाया जाए जिसमें मतलब ये चीज़ मैं ऐड ना करूँ, बस खुद को और आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करूँ, कुछ आप लोगों को ऐसा दिखाऊँ जो बहुत डिफरेंट हो। तो ऐसे ही मेरा मन करा, मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे।